हमारे उसका साइन, अरे उसका, उसी का, अरे कैसे कहूं यार, जिसने सारी दुनिया बनाई है यार, नहीं समझे, लग के देखिए, अरे जिसकी वजह से एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट हुआ था, अभी नहीं समझे, अरे जिसकी वजह से कांडा जेल में है, हाँ उसका साइज सिर्फ 4 इंच है भैया, यस ओनली 4 इंचेस। अल्स्टर यूनिवर्सिटी या उल्स्टर जो भी है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड लीन ने ये मजेदार रिसर्च किया है। लीन ने बताया है कि गुप्तांग की लंबाई के मामले में 113 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 110वां है। यार मैं नहीं मानता यार, ये साजिश है, ये इंग्लैंड और अमेरिका वाले हमें बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। हमने इतने साल से हल्ला मचा रखा है, हम वर्ल्ड पावर बन गए, हम मिलिट्री पावर बन गए, हम सुपर पावर बनने वाले हैं, घंटा पावर बन गए, चलो घंटे में तो पावर ही नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि रिचर्ड लीन ने ये साइज उस समय का बताया है जब भाई साहब रामदेव की तरह गुस्से में होते हैं, मतलब रुद्रा, ना कि जब वो मनमोहन सिंह की तरह शांत हो। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो हो सकता है कि उस मुद्रा में हमारा साइज 0 ही आता। और बात तो ठीक है साली, एक बात से मुझे टेंशन हो रही है और वो ये है कि ये पाकिस्तान वाले हमसे ऊपर है। इसी बात से मेरा जो कलेजा बैठा जा रहा है, चाहे सारी दुनिया हमसे आगे हो यार, तो पाकिस्तान हमसे नीचे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, हम सबसे फिसड्डी नहीं, हमसे नीचे भी 3 देश और है, थाईलैंड, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो जो कोरिया वालों पे क्या बीत रही होगी है, दुनिया में सबसे छोटा। वो बोल रहे होंगे वैसे तो हम छोटे ही थे, अब ये भी छोटा था। क्या यही है उनका गंगम स्टाइल, हा? ये तो घंटम स्टाइल हुआ। मालूम है 113 देशों की इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है? कांगो। जी हाँ, कांगो, सोमालिया, ये देश है टॉप पे। शर्मा मत, देखो देखो इधर देखो, ये हमारी पूजा ऐसे ऐसे कर रही है। ये देश है टॉप पे, यानी खाने को रोटी ना हो चलेगा, पर भाई लोग इस मामले में सुपर पावर है। अमेरिका के पास ड्रोन मिसाइल है, तो अफ्रीका वालों के पास डबल एक्सेल मिसाइल है। वैसे हम सुनते आए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप के पेन का क्या साइज है, फर्क इससे पड़ता है कि आप उससे लिखते क्या है। इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द शिप, इट्स द मोशन ऑफ द ओशन। और हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो भैया हम तो फल में यकीन करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमने और हमारे चीनी भाइयों ने अपने छोटे से पेड़ से ही सबसे ज्यादा फल यानी सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन एक मिनट, कहीं इस रिसर्च के पीछे कोई चाल तो नहीं है? हाँ, कहीं ये रिसर्च जापानी तेल वालों ने तो नहीं करवाई? हाँ, क्योंकि इस रिसर्च से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। हाँ, अब तो उनका तेल पूरे एशिया में बिक, पहले तो हम सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, लेकिन अब तो थर्ड ग्रेड कंट्री भी हो गए। अब अगर किसी की वाइफ अफ्रीका के टूर पे जा रही हो तो पति जरूर शक करेगा, ये कांगो क्यों जा रही है, कांगो जाके बोंगो बजेगी, कोरिया क्यों नहीं जा रही है। हो सकता है कि अब पत्नी बात बात पे कांगो जाने की धमकी दे, पत्नी रोज आने वाली है, नाम बड़े दर्शन छोटे, साइज देखकर बात कीजिए, चलिए हटिए। तो मैं तो भैया जा रहा हूं जापानी तेल लेने, आप अभी कुछ जुगाड़ कर, हाँ हाँ हमें अफ्रीका से भैया आगे निकलना।
तेल लेकर आऊंगा तो आपको बताऊंगा किसने खरीदी 4.25 करोड़ रुपए की वर्जिनिटी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।